ठीक है, जैसा कि एसपी बख्शी का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सीरीज चल रहा है, तो आज हम देखेंगे 30 से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है टायरो। टायरो यानी कि कोई भी चीज़ में बिगिनर होना। आप मान लीजिए आप एक जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आप एक टायरो हो जाते हैं जॉब में, आप एक बिगिनर हैं। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं, बिगिनर, लर्नर, नोविक एंड डिबंटन। और उसको अपोजिट क्या होगा, प्रोफिशिएंट। यानी कि अगर मान लीजिए वो जो पर्टिकुलर जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो 30 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल, उन लोग को हम लोग प्रोफिशिएंट बोलेंगे। उसका अपोजिट अपोजिट वेटरन होगा, एडेप्ट होगा एंड कनिशियर होगा। यानी कि बहुत एक्सपीरियंस पर्सन को कनिशियर बोलते हैं, एडेप्ट बोलते हैं, वेटरन बोलते एंड प्रोफिशिएंट बोलते। नेक्स्ट देखेंगे टुमल्टियस। टुमल्टियस यानी कि एक लड़ाई झगड़ा का माहौल, उसको बोलेंगे टुमल्टियस। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं अप्रोरियस, ठीक है, वॉयलेंट, डिसऑर्डरली एंड राइटुअस। राइटुअस यानी कि एक जंग का माहौल छिड़ना, उसको राइटुअस सिचुएशन बोलते हैं, ट्यूमल्टस। या तो उसका अपोजिट क्या होगा, पीसफुल यानी कि शांति का माहौल, पैसिव माहौल, ऑर्डरली, एकदम सब कुछ ऑर्डरली, ऑर्डरली माहौल और हारमोनियस। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी कि बहुत छोटा सा चीज़ जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना, कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसको इतना इंपॉर्टेंट ना होना ज़िंदगी में। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत छोटी सी बात है, छोड़ो ना इसको, क्या दिल पे लगाना। दैट इज़ हम लोग उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बहुत ट्रिवियल बात है, छोड़ दो, ठीक है, बहुत छोटा। तो उसका सिनोनिम देख लेते हैं ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट, फ्रिवलेस एंड वर्थलेस। उसको अपोजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दैट इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंशियल और एसेंशियल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए ट्राइट। ट्राइट यानी कि कोई भी बहुत कॉमन चीज़ जो आप रेगुलर देखते हो, जैसे कि आप अपने रेगुलर का चीज़ में क्या क्या देखते हो, आपके लिए बहुत कॉमन होगा, तो हम लोग उसको हम लोग ट्राइट बोलेंगे। सिनोनिम देख लेते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है, कॉमन प्लेस, स्टेल और हैकनी। उसको अपोजिट क्या होगा, इंटरेस्टिंग। मान लीजिए आप रेगुलर से हटकर आप एक दिन ताजमहल देखते हैं, तो लाल किला, कुतुब मीनार, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फील होगा ना, क्योंकि आप रेगुलर नहीं देखते हो, कभी हम लोग घूमने जाते तो देखते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग हो गया ना। तो इंटरेस्टिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बिकमिंग है और प्रॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अपना बात में अड़े रहता, एकदम फोर्सफुल रहता अपना बात में, कभी भी अपना बात को जल्द से चेंज नहीं करता, ठीक है, एक एरोगेंट हॉकटी इंसान भी बोल सकते। तो यहाँ में सिनोनिम देख लेते हैं असर्टिव, मतलब कुछ भी बोल दे, अगर उसने कह दिया मैं ये करूँगा तो करके ही रहेगा, उसको बोलेंगे असर्टिव। सिनोनिम से देखिए असर्टिव, फोर्सफुल, शार्प और स्पिरिटेड। उसको अपोजिट क्या होगा, फीबल। फीबल यानी विनम्र, कोई भी अपना बोला वाला बात का उतना महत्व नहीं होना, मे बी वो चेंज कर दे बाद में आने वाला वक्त में, ठीक है। एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस यानी कन्फ्यूजन। समटाइम होता ना, हम लोग कुछ बोल देते बाद में कन्फ्यूज देते, फिर अपना बोला वाला बात को चेंज कर देते, वो एम्बिग्यूस है। शैलो एंड वेसिलेटिंग। वेसिलेटिंग यानी कि जो सिचुएशन के हिसाब से मुड़ जाना, अपना बात को चेंज कर देना। नेक्स्ट देखते ट्रेचुरियस। ट्रेचुरियस यानी कि किसी को धोखा देना, एक बेईमान, धोखेबाज इंसान को हम लोग ट्रेचुरियस बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम देख लेते फेथलेस है, डिसाइटफुल है, डिसलॉयल एंड अनरिलायबल। क्या क्या है सिनोनिम्स, फेथलेस, डिसाइटफुल, डिसलॉयल एंड अनरिलायबल। उसको अपोजिट क्या होगा, एक फेथफुल इंसान, एक ईमानदार इंसान, रिलायबल इंसान। रिलायबल यानी कि विश्वास योग्य इंसान को हम लोग रिलायबल बोल सकते हैं, विश्वसनीय, डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट देखते ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी कि कोई भी शॉर्ट पीरियड ऑफ मोमेंट के लिए होने वाला चीज़ को ट्रांजिएंट बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। जैसे कि हम लोग एक मूवी देखते थिएटर में, तो 2 सेकंड के एक ऐड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट, वो छोटा सा 2 सेकंड का, 2 मिनट का ऐड, 2 सेकंड का होता, ठीक है। सिनोनिम देख लेते हैं टेम्पोरल, ट्रांजिटरी, फ्लिटिंग एंड पासिंग। उसको अपोजिट क्या होगा, लास्टिंग, बहुत लंबा समय तक चलने वाला, इंडोरिंग, बहुत लंबा समय तक चलने वाला को इंडोरिंग बोलेंगे। परपेंचुअल और इमोटल। इमोटल यानी कि जो कभी ना मरे, अमर, अमर को इमोटल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल यानी कि शांति का माहौल, पीसफुल माहौल, उसको ट्रैंक्विल बोलते हैं। सिनोनिम देखते हैं पीसफुल, शांति, कंपोज, काम प्लस हाइट,
काम यानी शांति प्लस एड यानी एकदम शांति का माहौल, ठीक है। अभी नेक्स्ट उसका अपोजिट क्या है, वॉयलेंट, एक लड़ाई झगड़ा का माहौल को वॉयलेंट माहौल बोलते हैं। फ्यूरियस, एकदम एनर्जी से भरा वाला माहौल, फ्यूरियस। रेस्टलेस, रेस्टलेस, रेस्ट का मतलब रेस्ट, आराम करना। रेस्टलेस यानी कि आराम ना करना, एक मतलब एक बहुत ही हल्ला गुल्ला वाला प्लेस को हम लोग बोल सकते हैं रेस्टलेस प्लेस, ठीक है। और डिस्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्चर। टॉर्चर तो सिंपली हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। टॉर्चर यानी कि दूसरा को तकलीफ पहुंचाना, बहुत या तो मेंटल प्रेशर, मेंटल तकलीफ या तो फिजिकल तकलीफ, ठीक है। तकलीफ को हम लोग एगोनी बोलते हैं, ठीक है। एगोनी, मेंटल एगोनी, फिजिकल एगोनी। पैंग, पैंग यानी फिजिकल एगोनी, ठीक है। ऑप्रेस करना, टॉर्मेंट यानी टॉर्चर करना। उसको अपोजिट क्या है, किसी को कम्फर्ट फील कराना, अच्छा फील कराना। कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन यानी कि किसी को अच्छा फील कराना, किसी को सपोर्ट करना। प्लेशर, अच्छा फील होना। डिलाइट, ठीक है, खुशी का फील होना। डिलाइट यानी खुशी का, खुश, एकदम खुश मूड होना, एकदम बढ़िया मूड होना, उसको बोलते हैं डिलाइटेड मूड, डिलाइट, अच्छा फील होना। नेक्स्ट देखते हैं टिमिड। टिमिड यानी कि एक डरपोक इंसान, उसको हम लोग टिमिड बोलेंगे, जो बहुत ही कन्फ्यूशन में रहेगा। एक डरपोक इंसान ही मोस्टली कन्फ्यूशन में रहेगा, तो ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हम्बल, मॉडेस्ट, डिफिडेंट और अप्रिहेंशन। अप्रिहेंशन यानी कि डाउटफुल। उसका अपोजिट क्या, बोल्ड, एक कन्फ्यू, कि डरपोक का ऑपोजिट तो बोल्ड ही होगा। बोल्ड यानी कि एक हिम्मत वाला इंसान। इंटरप्रिट यानी हिम्मत वाला, हिम्मत वाला, अनडॉन्टिंग हिम्मत वाला, और करेजियस हिम्मत वाला। नेक्स्ट देखते हैं थ्रोंग। थ्रोंग यानी कि एक भीड़ को थ्रोंग बोलते हो, कोई भी टाइप ऑफ भीड़ हो सकता है, ठीक है। उसका सिनोनिम देख लेते हैं असेंबली। असेंबली में बहुत भीड़ होता तो थ्रोंग हुआ। गैदरिंग, गैदरिंग पीसफुल गैदरिंग या तो कोई भी तरह का गैदरिंग, मतलब बहुत सारा भीड़ भड़ाका लोगों का। कभी भी मेला होता तब क्या होता, बहुत गैदरिंग होता, तो भीड़ भड़ाका को हम लोग गैदरिंग बोल रहे हैं। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन यानी कि भीड़ भड़ाका एरिया, या उसको हम लोग बोलेंगे क्राउड, भीड़ भड़ाका एरिया। उसका अपोजिट क्या होगा, डिस्पर्शन यानी कि एक दूसरे यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ बिखरा हुआ रहना। स्कैटरिंग भी बिखरा होना। हैंडफुल यानी कि बहुत ही कम बिखरा हुआ होना। स्पार्सिटी बिखरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं टिनाशियस। टिनाशियस यानी कि एक ज़िद्दी इंसान। अगर जैसा कि मान लीजिए आपने सोच लिया मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा, हाँ करके ही रहूँगा, ये क्या टिनाशियस, जो ठान लिया वो करके रहूँगा, हार ना मानने वाला चीज़ को टिनाशियस एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। रिजॉल्व, रिजोल्यूट, डिटरमाइंड, डॉग्ड। उसको अपोजिट क्या होगा, वेसिलिएटिंग यानी कि मैं, मुझे यूपीएससी पास होने से भी चलता, नहीं होने से भी चलता, वो क्या है वेसिलिएटिंग, मतलब हार मान लेना। अगर हार गए तो ठीक है, हार मान लेंगे। टिमिड, डरपोक इंसान। वेवरिंग, वेवरिंग एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन के हिसाब से अपना थॉट, अपना अपना सोच को भी बदल देता है, उसको हम लोग वेवरिंग बोलेंगे। और अनस्टेबल भी इंसान भी वैसे ही है, जो जैसा माहौल वैसा ही बदल जाएंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेट। टेम्परेट यानी कि कूल होना। कोई भी इंसान, अगर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी इंसान शांति से बैठा है तो हम लोग बोल सकते हैं ही इज़ इन टेम्परेट मूड, मतलब बहुत ही टेम्परेट मूड में, शांत मूड है। मॉडरेट सिनोनिम से मॉडरेट, कूल, रीजनेबल और लेनियंट। लेनियंट यानी कि एक नरमी से पेश आने वाला इंसान को लेनियंट पर्सन बोल सकते हैं, लेनियंट। उसका अपोजिट क्या है, बायस्टेरियस। बायस्टेरियस का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, मतलब वो शांति से बैठने वाला नहीं है, उछल कूद करने वाला है, तो बायस्टेरियस। वायमेंट, एनर्जेटिक इंसान। वायलेंट, एक वायलेंट यानी लड़ाई झगड़ा का माहौल, तो वो क्या होगा, एनर्जेटिक माहौल में तो वायलेंट होने का चांसेस है ना, तो और एक्सेसिव। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परिटी। टेम्परिटी है क्या, नहीं है बोल्ड इंसान, बहुत बोल्ड। ऑडासिटी, बोल्डनेस। इम्प्रूडेंस, नासमझी। इम्प्रूडेंस का मतलब नासमझी, ठीक है। और इंडिस्क्रिशन यानी नासमझी। अब एक बोल्ड इंसान होगा तभी तो, कभी कभी ओवर बोल्डनेस जिन लोग रहते हैं आपने देखा होगा, उन लोग बहुत सारे सिचुएशन डिसीजन ना समझ में ले लेते, तो ये हो गया इम्प्रूडेंस और इंडिस्क्रिशन। उसको अपोजिट किया गया डिस्क्रिशन, कोई भी सोच समझ के डिसीजन लेने वाला। प्रूडेंस, सोच समझ के काम करने वाला, डिसीजन लेना। कॉशियस, कॉशियस यानी कि केयरफुली ऑब्जर्व करना कोई भी सिचुएशन को, देन अपना स्टेप बढ़ाना। कॉशियस और विजडम यानी दिमाग वाला, बुद्धिमान इंसान, ठीक है। तो क्या हो गया एंटोनिम्स, एंटोनिम्स डिस्क्रिशन है, प्रूडेंस है, कॉशन है, विजडम है। नेक्स्ट देखते हैं टेडियस। टेडियस यानी बहुत थक जाना, जैसे कि दिन भर काम करके हम बहुत थक गए, टेडियस फीलिंग, ठीक है। उसको हम लोग सिनोनिम्स बोलेंगे वेरीसम, इरिक्सम,
टायरिंग एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस का एकदम असली मतलब यह है कि एकदम बोरिंग सा माहौल। हाँ, हम लोग थक जाने के बाद भी एक बोरिंग सा फील होता तो बोरिंग बोलेंगे। उसका अपोजिट क्या, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग यानी कि खुशी का माहौल, खुश होना। खुशी में हम लोग क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते, लाइवली। लाइवली में भी खुशी, एकदम एनर्जेटिक होना। डिलाइटफुल यानी कि एक अच्छा मूड होना, खुश खुश मूड होना, उसको डिलाइटफुल बोलेंगे। एंड डाइवर्टिंग, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या क्या क्या, एक्सेलरेटिंग, लाइवली, डिलाइटफुल एंड डाइवर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं टेंटेड। टेंटेड यानी कि मैला या दाग धब्बा उसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसको सिर्फ हम देखते हैं कंटामिनेटेड। अब कंटामिनेटेड अगर ये कोई भी, अगर कोई क्लॉथ है वो कंटामिनेटेड है, मैला है बोल सकते, पेपर मैला है, कुछ भी चीज़ मैला है। अगर यही चीज़ टेंटेड हम लोग कोई पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, करप्ट, क्योंकि उसका कैरेक्टर मैला है, तभी तो करप्ट है ना। तो करप्ट, विटिएटेड, पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड यानी गंदा पानी को हम लोग जनरली बोलते हैं ना, पॉल्यूटेड मतलब मैला पानी, मैला चीज़, कुछ भी हो सकता। उसका अपोजिट क्या होगा, अनब्लमिश, मतलब उसका पास, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। ब्लमिश का मतलब दाग धब्बा, और यहाँ पर देखिए अन, अन का मतलब, अन अगर जुड़ गया तो अनब्लमिश, मतलब विदाउट एनी स्टेन, कोई दाग धब्बा, बिना कोई दाग धब्बा का, ठीक है। होलसम यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और रिस्टोरेटिव एंड प्योर। नेक्स्ट देखते हैं टेसिटम। टेसिटम यानी कि बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी इंसान को हम लोग टेसिटम बोलेंगे। तो हम लोग सिनोनिम देख लेते हैं रिजर्व, अनकम्युनिकेटिव, साइलेंट, मोस्टली लोग साइलेंट रहते, रेटिसेंट, बहुत कम बोलना, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी कि बहुत बोलने वाला इंसान। लैकिशियस, लैकिशियस यानी कि बहुत बोलने वाला इंसान। गैरुलियस एंड एक्सट्रोवर्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेसिटम का ऑपोजिट क्या है, टॉकेटिव है, लैकिशियस है, गैरुलियस है, एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि बहुत बोलने वाला इंसान को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं टैबू। टैबू यानी कि कोई भी चीज़ को मना करना, ठीक है। तो देखते हैं सिनोनिम्स के, प्रोहिबिट है, प्रिवेंट है, फॉरबिड है, बैन है। क्या क्या है, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, फॉरबिड, बैन। उसका ऑपोजिट क्या होगा, हम लोग अगर मना करते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, परमिशन देना, तो यहाँ पे परमिट। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब ही परमिट है। कंसेंट, कंसेंट यानी कि हामी भरना, हाँ बोलना। और लाइसेंस, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस का मतलब समझिए, अगर हम लोग गाड़ी का लाइसेंस मिलता है तो हम लोग को परमिशन मिलता है गाड़ी चलाने का, तो ये लाइसेंस हुआ, ठीक है। परमिशन, लाइसेंस का मतलब ही परमिशन है, ठीक है। तो ये था हमारा टी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एसवी बख्शी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यू से रिलेटेड देखेंगे। तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।